Okay, so class, so starting the first chapter of second year English, that is 20 minutes with Mrs. Okentup. Mrs. Okentup ke saath 20 minutes. This is a melodrama written by Frank Arthur, a British playwright. Frank Arthur ne likha, British playwright hai, and it is a melodrama. Melodrama kaise kehte hain? Melodrama is a suspense drama. Ek aisa drama jisme suspense maujood ho, जिसमें एंड तक आपको स्टोरी का ना पता हो कि आखिरकार क्या होने वाला है, जिसमें एंड तक जो है वो व्यूअर्स या रीडर्स जो है वो अटेंशन रहे, अटेंटिव रहे. इस तरह के जो ड्रामा होता है उसको मेलो ड्रामा कहते हैं. इसको सुनने में भी मज़ा आता है. तो कैरेक्टर्स क्या है? देर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. वन इज़ मिसिस जूडी ओकेंटप. मिसिस जूडी ओकेंटप एक मैरिड खातून है, एक अमीर एक रिच खातून है, और वो रहती हैं स्टेंट हॉप में, और वो ट्रेन के थ्रू स्टेंट हॉप जा रही हैं. ठीक है, दूसरा कैरेक्टर उसका नाम नहीं पता, हम ही कहते हैं उसको, मतलब वो शख्स, वो आदमी, वो मर्द, उसका नाम नहीं पता. स्टार्ट के एंड तक हमें नाम नहीं पता होगा. वो एक मिस्टीरियस सा पर्सन है, पुरसरार इंसान है, एक रिटायर्ड सोल्जर है, एक ऐसा सोल्जर जो किसी ज़माने में सोल्जर था, सिपाही था, बट अब रिटायर्ड हो चुका है, और जिसकी बीवी और उसकी बेटी दोनों की एक एक्सीडेंटल मौत हो चुकी है, एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी है, एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और उसकी डॉटर मर चुकी हैं. तीसरा शख्स है पोर्टर. पोर्टर किसे कहते हैं? पोर्टर होता है कुली, उर्दू में कहते हैं कुली. और कुली कौन होता है? वो सामान इधर उधर करता है, लोगों के सामान उठाता है, आपने देखा होगा. तो कुली यहाँ पर जो है वो एक तरह से क्या है? सस्पेंस ब्रेकर है. अब सस्पेंस ब्रेकर किसे कहते हैं? कि सस्पेंस को तोड़ देने वाला, कि जब सस्पेंस हद से ज़्यादा बढ़ जाता है प्ले के अंदर तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है. सस्पेंस को तोड़ने के लिए बीच में क्या होता है कि हमको कैरेक्टर लेकर आते हैं मेलो ड्रामा के अंदर. तो उससे क्या होता है? सस्पेंस ब्रेक करता है आपका, उसके बाद दोबारा से फिर सस्पेंस को नए सिरे से डेवलप किया जाता है, ताकि आपको स्टोरी में एक ट्रफ एंड क्रेस्ट फील होता रहे. ये तरीका होता है लिखने का जब कोई नॉवल लिखता है, जब कोई लिखते हैं लोग. ठीक है, तो ये सस्पेंस ब्रेकर है, वरना इसका कोई काम नहीं है पोर्टर का. इस नॉवल के अंदर कोई कह लो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई रोल नहीं है उसका, पोर्टर का, जस्ट बीच बीच में आएगा 3-4 बार. सीन क्या है? द वेटिंग रूम ऑफ अ रेलवे जंक्शन. रेलवे जंक्शन का एक वेटिंग रूम है. रेलवे जंक्शन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रेन जा रही होती है, ट्रेन की पटरी जा रही होती है स्ट्रेट, ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है वो एक तरफ से टर्न हो जाती है, ट्रेन की पटरी को करके टर्न हुई होती है. अब कुछ ट्रेनें आज सीधी निकल जाती हैं, कुछ टर्न हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कुछ लोग यहाँ पर उतर जाते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर ट्रेन सीधी जानी है और लोगों को इधर टर्न करना है, तो लोग क्या करते हैं? यहाँ पर उतर जाते हैं, दूसरे ट्रेन के अंदर, अगली ट्रेन जो आएगी उधर मुड़ जाएगी, एक ट्रेन सीधी जाएगी, एक ट्रेन मुड़ जाएगी, टर्न हो जाएगी. तो जो टर्न होने वाले लोग हैं वो उतर जाते हैं, एक वेटिंग रूम में आ जाते हैं, उसी को कहा जाता है वेटिंग रूम ऑफ अ रेलवे जंक्शन. ये वाला पार्ट रेलवे जंक्शन कहलाता है, जहाँ पर रेल की पटरी जो है वो अलग हो रही होती है, सेपरेट हो रही होती है मेन पटरी से. देखा होगा आपने पटरियाँ इस तरह से होती हैं. तो उसके अंदर स्टोरी चल रही है. टाइम क्या है? अ स्टॉर्मी विंटर इवनिंग ऑफ 1955. 1955 क्या एक स्टॉर्मी विंटर इवनिंग, एक तूफ़ानी जो है वो शाम है, ठीक है. तो 1955 की, 1955 के दौर की कहानी है. स्टॉर्मिंग मतलब तूफ़ानी, इसको लिखे जो लिखना है. ओके, नेक्स्ट इज स्टार्टिंग द सीन. से पहले सीन में आपको बताता हूँ कि कंप्लीट सीन क्या है, कि द वेटिंग रूम ऑफ अ स्मॉल रेल कंट्रीज रेलवे जंक्शन. एक वेटिंग रूम है, तो उसमें रेन एंड वाइंड आर ऑडिबल आउटसाइड, के बारिश की आवाज़ और हवा की आवाज़ सुनी जा सकती है बाहर. एंड कंटिन्यू थ्रू द एक्शन, और ये पूरे कंप्लीट इस स्टोरी के बीच में बारिश की आवाज़ आती रहेगी और तेज़ हवाओं की आवाज़ चलती रहेगी. इंक्रीजिंग व्हेनेवर द डोर इज ओपन, दरवाज़ा जब भी खुलेगा तो आवाज़ तेज़ हो जाएगी, मतलब क्योंकि दरवाज़ा बंद है वेटिंग रूम का. द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है, एंड अ लेडी कम्स इन, एक खातून अंदर दाखिल होती है वेटिंग रूम में, कैरिंग अ सूटकेस, हाथ में सूटकेस होता है, विच हैज अ टाई ऑन लेवल, और उस सूटकेस पर जो है वो एक लेबल लगा होता है, टाई ऑन लेबल लगा होता है. टाई ऑन लेबल मतलब जो लेबल जो है वो आप इस तरह से टाई कर देते हैं, इसे से मतलब टाई करा जाता है लेबल को, उसको हम टाई ऑन लेबल कहते हैं, ठीक है. तो उसके ऊपर नाम लिखा होता है, जैसे मिसेस जूडी ओकेंटप कुछ भी. तो वो खातून ने जो है वो उस तरह से रखा हुआ है. द लेडी पुट्स हर सूटकेस डाउन ऑन द बेंच. वो खातून क्या करती हैं? सूटकेस को बेंच पर रखती हैं, बेंच के अंदर रखती हैं. अ मैन कम्स इन ब्रिस्कली. ब्रिस्कली मतलब तेज़ी से, एक शख्स तेज़ी से अंदर दाखिल होता है कमरे में. ही इज़ वेयरिंग अ ट्रेंच कोट एंड अ ट्रिपली हेड.
उसने पहना हुआ है एक ट्रेंच कोट और एक ट्रिपली हैट। ट्रेंच कोट किसे कहते हैं? एक लंबा कोट जो पाँव तक आता है। पुराने ज़माने में लोग ऐसे कोट पहन, ट्रेंच मतलब वो कोट होता है जो ट्रेंचेस में पहना करते थे वर्ल्ड वॉर में, जंग अजीम अव्वल में, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू में, ट्रेंचेस के अंदर, खंदक के अंदर जो फौज होते थे वो जो है वो सर्दी से बचने के लिए लंबे लंबे कोट पहनते थे पाँव तक, उसको ट्रेंच कोट कहते हैं। ओल्ड फैशन हो चुका है अभी ट्रेंच कोट। ट्रिपली हैट कहते हैं जो गोल हैट होती है, ट्रिपली हैट, उसने ट्रिपली हैट पहनी हुई थी। पोर्टर आता है, पोर्टर कुली आता है और कहता है यू टू हैव 20 मिनट्स टू गेट ड्राई एंड वार्म, तुम दोनों के पास 20 मिनट हैं ड्राई होने के लिए और ख़ुद को वार्म करने के लिए और सूखने के लिए। गोज आउट इन टू द स्टॉर्म एंड शट द डोर बिहाइंड हिम, चले जाता है ये बोल के कमरे से बाहर और दरवाज़ा बंद कर देता है। द लेडी मीन वाइल हैज़ टेकन ऑफ हर हैट एंड स्कार्फ। अच्छा, शुरू में 10 मिनट तक आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, 10 मिनट के बाद चीज़ें क्लियर होने शुरू होंगी। अभी सीन बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके ना, डेवलपमेंट हो रही है, तो ऐसा ही होता है नॉवल में। द लेडी मीन वाइल हैज़ टेकन ऑफ हर हैट एंड स्कार्फ, प्लेस देम ऑन द टेबल एंड ओपन हर कोट। तो खातून ने उसी दौरान क्या किया, अपनी हैट उतारी, अपना स्कार्फ उतारा, प्लेस देम ऑन द टेबल, टेबल पर रखा सूखने के लिए, एंड ओपन द हर कोट, और जो उसने कोट पहनी थी उस कोट को उतारा। हर हेयर इज मॉस ब्राउन, जब उसने उसका अपना स्कार्फ हटाया तो उसके बालों का रंग दिखा, उसके बाल थे पूरे रंग के, ब्राउन रंग के। शी इज़ वेयरिंग अ वेडिंग रिंग, उसने हाथ में शादी की अंगूठी पहनी हुई थी, वेडिंग रिंग पहनी हुई थी, मतलब वो शादीशुदा मैरिड गर्ल है, वुमेन है। द मैन हैज़ टेकन ऑफ हिज कोट, वो मर्द था, उसने भी ट्रेंच कोट पहना हुआ था, उसने अपने ट्रेंच कोट को सूखने के लिए उतारा, शेकन इट, उसको झाड़ा, एंड थ्रो इट डाउन ऑन द बेंच, उसको भी बेंच पर रख दिया विथ हिज हैट, अपने हैट के साथ। एज इट डज, तो जैसे वो ये करता है तो बेंच में पहले से उस खातून का सूटकेस रखा है। हिज ग्लैंस फॉल्स ऑन द लेबल ऑफ द लेडीज सूटकेस, उसकी निगाह पड़ती है खातून के सूटकेस पर, उस पर नाम लिखा होता है मिसेस जूडी ओकेंटा, पहले वो देखता है उसको। इट अपेरेंटली मीन्स नथिंग टू हिम, बजायर उसको कुछ भी नहीं लगता है देखकर, मतलब वो कोई फीलिंग नहीं देता है। हिज ड्रेस एंड स्पीच डिफाइन हिम एज अ स्लाइटली लोअर इन द सोशल स्केल अ क्लर्क, उसके लिबास से और उसके बोल चाल से ऐसा लगता है कि वो किसी सामाजिक दर्जे में कमतर इंसान है, एक गरीब शख्स है, शायद कोई क्लर्क वगैरह है अभी वो। दे अपेयर टू बी स्ट्रेंजर्स, और वो स्ट्रेंजर्स दिखते हैं, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है ऐसा लग रहा है। ही वो अब वो बात स्टार्ट करता है, ब्रेक करता है आइस को और कहता है सो वी हैव एग्जैक्टली 20 मिनट्स टू वेट, तो हमारे पास 20 मिनट इंतज़ार करने के लिए। शी जस्ट राइट, बिल्कुल ठीक कहते हो, ही कहता है यू डोंट ऑब्जेक्ट टू अ लिटिल कन्वर्जेशन, अगर मैं थोड़ी बात कर लूँ क्या तुम्हें कोई मुजायका है, क्या इस पर कोई तुम्हें मुजायका होगा अगर मैं कुछ बात कर लूँ। शी वी मे एज वेल एज वी हैव 20 मिनट्स, हाँ हम बात कर सकते हैं, 20 मिनट हैं हमारे पास। ही ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाते हुए कहता है वाई कैंट दे हैव अ रूफ ओवर द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर कोई छत क्यों नहीं उन्होंने लगाई रेलवे स्टेशन वालों ने। शी प्लेसिडली, नरमी से कहती है दिस स्टेशन इज नॉट यूज्ड वेरी मच, इस स्टेशन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ओनली फॉर पीपल चेंजिंग ऑन द लूप लाइन टू स्टेंट हॉर्प, सिर्फ वो लोग जो लूप लाइन कहलाते हैं जंक्शन, लूप लाइन को जो स्टेंट हॉर्प की तरफ चेंज कर रहे होते हैं ना, बस वही लोग इस स्टेशन को इस्तेमाल करते हैं, और जो स्टेशन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते उस पर छत नहीं लगाए जाते उसके प्लेटफॉर्म पर भी। इट्स लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉज देयर हेयर, बहुत लंबा वक्त हुआ जब मैं यहाँ आया था, एक ज़माने बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। शी आई लिव एट स्टेंट हॉप, लाफ अ लिटिल नर्वसली, वो तजब्जुब के आलम में कहता है, कहती है मैं स्टेंट हॉप में ही रहती हूँ, सो आई नो दिस वेटिंग रूम क्वाइट वेल, तो मैं इस वेटिंग रूम के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। देर इज़ अ पॉज, पॉज होता है थोड़ा सख्ता होता है। ही यू लिव देयर, डू यू नो आई एम मिसेस जूडी ओकेंटप, तुम वहाँ रहती हो क्या, तुम जानती हो वहाँ पर एक मिसेस जूडी ओकेंटप भी रहती हैं। अच्छा वो ये खुद ही जबकि उसी से पूछ रहा है, अच्छा उसने उसके सूटकेस को भी देख लिया, लेबल लिखा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन उसने जाहिर शो नहीं किया कि उसने देख लिया, पहली मुलाकात में बहुत नहीं, मतलब उसने वो देख लिया कि जूटी कंटम लिखा हुआ है, अभी आके समझ में आएगा आपको चीज़ें। ही टर्न्स स्लाइटली अवे एज ही स्पीक्स, वो दूर हटकर ये पूछता है उससे, एंड डज नॉट अपीयर टू ऑब्जर्व द स्टार्ट ऑफ सरप्राइज विद विच शी हियर्स हिज नेम, और वो जाहिर नहीं करता है, अच्छा वो ऑब्जर्व नहीं करता, मुशाहदे नहीं करता है उस हैरत का इजहार का जो जूडी ओकेंटप के चेहरे पर आता है जब अपना नाम सुनती है कि मेरे बारे में ये पूछ रहा है कि तुम जानती हो जूडी ओकेंटप को। शी रिकवरिंग एंड स्पीकिंग विद इंडिफरेंस, लातालुके के साथ काबू पाती है जिस बात पे और कहती है हाँ यस शी लिव्स एट स्टेंट हॉप, हाँ हाँ मैं जानती हूँ जूडी ओकेंटप को, वो स्टेंट हॉप में रहती हैं। ही व्हाट शी लाइक, वो कैसी दिखती हैं। शी नर्वसली तजब्जुब में कहती है यू मीन इन अपेयरेंस और इन कैरेक्टर, तुम क्या पूछना चाहते हो, दिखने में कैसी हैं ये किरदार की कैसी हैं। ही इन अपेयरेंस ग्रीमली, वो कहते हैं मैं दिखने में कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ ग्रीमली, गुस्से से कहता है
आई नो ऑल अबाउट हर कैरेक्टर, मैं उसके किरदार के बारे में सब जानता हूँ. शी स्टार्टेड एट दिस बट ट्राइंग टू अपेयर नॉर्मल, चौंक जाती है सुनकर लेकिन नॉर्मल बिहेव करती है और कहती है ओ शी इज़ फेयरली ऑर्डनरी, यू नो वो बिल्कुल मामूली सी औरत है, तुम जानते हो, नथिंग वेरी रिमार्केबल अबाउट हर, कोई बहुत मशहूर चीज़ उसके बारे में नहीं है. शॉर्ट रेदर देन टॉल, ना बहुत छोटी है ना बहुत लंबी है, अबाउट 5'3", 5'3" उसकी हाइट है. वेज अ लिटिल अंडर 8 स्टोन, और वेट लगभग 8 स्टोन के बराबर है. अब 8 स्टोन मतलब 8 पत्थर के बराबर नहीं है, 8 स्टोन से मुराद यहाँ पर है, ये ब्रिटिश सिस्टम के अंदर 1 स्टोन जो है वो 6 kg का होता है, तो 8 stone 6 8 48, तो 48 kg के लगभग उनका वेट होगा. ही आई सॉ अ फोटोग्राफ ऑफ हर वंस इन अ न्यूज़पेपर, वो कहता है मैंने एक बार उनकी तस्वीर देखी थी अखबार में. इट वॉज वेल अ न्यूज़पेपर फोटोग्राफ, वो यकीनन एक अखबार में छपने वाली फोटोग्राफ थी. यू कुडंट टेल वेदर शी वॉज डार्क और फेयर, अच्छा अखबार में खबर कि उनकी फ़ोटो क्यों छुपी आगे पता लगेगा, आगे अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, सस्पेंस है तो मैं ब्रेक नहीं करूंगा जैसे कि ये नॉवलिस्ट ब्रेक नहीं करे फ्रैंक आर्थर, तो मैं भी ब्रेक नहीं करूंगा ना मुझे सवाल करना. तुम यू कुडंट टेल वेदर शी वॉज डार्क और फेयर, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि वो गोरी थी कि काली थी, डार्क थी या फेयर थी. बट आई वॉज टोल्ड शी वॉज अ बनाना ब्लोंड, लेकिन मैंने सुना है या मुझे पता लगा है कि वो बनाना ब्लोंड है. तो बनाना ब्लोंड किसे कहते हैं, ब्लोंड इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्शन. ब्लोंड कॉम्प्लेक्शन किसे कहते हैं, गोल्डन हेयर्स विद अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, अगर किसी इंसान के फेयर कॉम्प्लेक्शन है और उसके बालों का रंग गोल्डन है, जैसे कि पाकिस्तान में तो वैसे रेयर है या इम्पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादातर अमेरिकन और जो इंग्लिश पीपल होते हैं ना यूरोपियंस, वो ब्लोंड होते हैं, गोल्डन बिल्कुल गोल्ड जैसे बाल होते, सोने के बाल जैसे, ठीक है, वेरी फ्यू उनके भी फिर भी ब्राउनिश टाइप के उसमें होते हैं, मतलब प्योर गोल्डन लाइक शकीरा, मतलब बिल्कुल ही गोल्डन लगेगा, गोल्डन बाल बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल गोल्डन बिल्कुल लगेगा, गोल्ड सोने के बाल एकदम, तो वो ब्लोंड कहलाते हैं वो लोग, ठीक है. शी लाइटली, वो नरमी से कहती है, सो शी वॉज वंस, हाँ वो पहले ब्लोंड थी, बट ब्लोंड हेयर्स डजेंट स्टे ब्लोंड फॉरएवर, लेकिन गोल्डन बाल हमेशा गोल्डन नहीं रह सकते. यू नो आई वॉज ब्लोंड वंस, वो कहती है मैं भी पहले कभी ब्लोंड थी, मतलब मेरे बाल भी कभी गोल्डन थे लेकिन मैंने उनको ब्राउन प्रिंट कर दिया, जैसे हम पिलते हैं ना 20 ईयर्स, मतलब 20 मिनट्स है तो वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत है. अच्छा उनके अंदर हेजिटेशन कम होती है, ये पाकिस्तानी पीपल नहीं है भाई, तो उसको पॉज करना. तो वो कहती हैं कि आई वॉज अ ब्लोंड वंस, कि मैं भी एक ब्लोंड थी कभी, तो चूंकि आपको पता है कि मेरे बाल पहले ब्लोंड थे, मैंने उसको ब्राउन कर दिया, क्योंकि जब अभी उन्होंने स्कार्फ खोला है तो ब्राउन बाल दिखे. तो जैसे ना सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर ट्रिल प्रिंटेड ब्लैक, मतलब साइन कॉस टेन का याद करते हैं ना, तो कुछ लोगों के बाल रंग होते हैं प्रिंट कर दिया जाए तो कलर चेंज हो जाता है, वो साइन कॉस को ऐसे याद करता है. अच्छा शी कहती है मे आई आस्क यू व्हाई यू आर सो क्यूरियस अबाउट हर, अब जो मिदत का सवाल है वो यहाँ पर आ रहा है, अब आखिरकार ये भी पूछ उठती है क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम क्यों इतने तजस्सुस में उसके बारे में, मतलब तुम क्यों इतना पूछ रहे हो उसके बारे में, इतना मैंने बता तो दिया बट पूछ क्यों रहे हो. ही आई एम गोइंग टू स्टेंट हर ऑन पर्पस टू सी हर, मैं स्टेंट हर जा ही रहा हूँ उसे मिलने के लिए. दैट्स वाई आई आस्क्ड व्हाट शी लुक लाइक सो दैट आई वुड रिकॉग्नाइज व्हेन आई सॉ हर, तभी मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है कि वो कैसी दिखती है कि जब मैं उसको देख सकूँ तो पहचान सकूँ. ही आई जस्ट वॉन्ट 10 मिनट्स अलोन विथ हर, दैट्स ऑल, मुझे 10 मिनट चाहिए उसके साथ अकेले में बस. शी दैट शुडंट बी डिफिकल्ट, यू हैव ऑलरेडी हैड 5 मिनट्स अलोन विथ मी, ये मुश्किल नहीं होगा, तुम 5 मिनट पहले ही मेरे साथ गुजार चुके हो तो 10 मिनट उनके साथ भी आराम से गुजार सकते हो बातचीत करके. ही दैट्स लीव अस 15 मोर, वो कहता है हाँ 15 मिनट और बचे हैं हमारे बीच में. ही स्पीक्स ग्रीमली, गुस्से से कहता है, लुक्स स्ट्रेट एट हर, उसकी तरफ आंखों में आके डालकर कहता है. शी बोथ अफ्रेड एंड पजल्ड, स्पीकिंग क्विकली एंड नर्वसली, हैरान हो जाती, डर जाती है और हैरान हो जाती है, और इस तरह से जब उसको घूरता है हैरान हो जाती है और डर जाती है और तेज़ी से कहती है परेशानी के अलम में, येस यू एंड आई आर हेयर फॉर 20 मिनट्स. पेपर में सवाल आता है एक, ठीक है, वो क्या सवाल आता है कि वॉट आर द ओपिनियंस और वट इज़ द ओपिनियन ऑफ मिसिज जोडी कंटप अबाउट चांस मीटिंग, ये जो इस तरह की मुलाकातें हो जाती हैं कभी कभार, तो उस मुलाकातों के बारे में जोडी कंटप की क्या राय है, तो वो ये पूरा पैराग्राफ उनकी राय है, मैं पूरा पैराग्राफ साथ पढ़ता हूँ. So yes, you and I are here alone for 20 minutes. We have never met before and we shall very likely never see each other again. I often think about these chance and casual meetings we have with people. Thousands of them in the course of a lifetime. People we pass in the street, stand behind in bus queues, sit next to in the theater and so on.
there they are living their own lives, and then just for a brief space they come into your life only to disappear, and for all you know to die the next day, or perhaps they leave forgetting you completely. Long after you are dead, your life touches another life for a minute or for an hour, and then it swings apart. You go your way and I go mine. अब क्या कहती हैं? हाँ, तुम और मैं यहाँ पर अकेले हैं 20 मिनट के लिए. हम इससे पहले कभी नहीं मिले, और दोबारा शायद हम दोबारा मिले भी ना कभी एक दूसरे से. मैं अक्सर सोचती हूँ इन मुलाकातों के बारे में, जो इस तरह की खुशकिस्मती से मुलाकातें हो जाती हैं, कैजुअल मीटिंग्स हो जाती हैं लोगों के साथ. हज़ारों मुलाकातें हम ऐसे करते हैं ज़िंदगी में, लोगों के साथ हम गुजरते हैं सड़क से, बस में हम किसी के पीछे खड़े होते हैं, थिएटर में किसी के साथ बैठते हैं. इस तरह की मुलाकातें हमारी होती हैं अजनबियों से, और वो लोग अपनी ज़िंदगियाँ जीते हैं, और फिर आखिरकार एक लम्हे के लिए वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं सिर्फ वाइब होने के लिए, और तुम जानते हो वो बाद में मर जाते हैं लोग, और शायद वो ज़िंदा भी रहें लेकिन हमें भूल जाते हैं पूरी तरह से, और आखिरकार फिर हम मर जाते हैं. तुम्हारी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी को छूती है एक मिनट के लिए या एक घंटे के लिए, और उसके बाद हम दूर हो जाते हैं. तुम अपने रास्ते चल जाते हो, मैं अपने रास्ते चल जाती हूँ. मतलब मेरे नज़दीक ये कोई चांस मीटिंग कोई वैल्यू नहीं रखते हैं. हज़ारों मुलाकातें हम करते हैं लोगों से डेली, एक बात करते हैं, कुछ रास्ता पूछ लेते हैं, कुछ बात बता देते हैं, उसके बाद ज़िंदगी में दोबारा हम ऐसे लोगों से नहीं मिलते हैं. तो एनी मीटिंग की कोई वैल्यू नहीं है हमारे नज़दीक. ही इंटेंसली शिद्दत के साथ कहता है, समटाइम्स वन ऑफ दीज ब्रीफ कैजुअल मीटिंग्स में अल्टर योर लाइफ. कभी कभार ऐसी छोटी मुलाकातें भी तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील कर सकती हैं. शी विद अ शिवर काफ्ते में कहती हैं, नॉट इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि इतनी छोटी मुलाकात का कोई इंपॉर्टेंस हो मेरी ज़िंदगी में. ही आई कैन टेल यू टू ऑफ दीज हाफ मिनट मीटिंग्स विच हैव हैड द मोस्ट प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन माई लाइफ. मैं तुम्हें बता सकता हूँ दो ऐसी मुलाकातों के बारे में जो आधे मिनट की मुलाकात थी लेकिन मेरी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ा उस आधे मिनट की मुलाकात से. दो स्टोरीज हैं मेरे पास सुनाने के लिए. तो वो कहता है, आई विल टेल यू वन ऑफ देम. मैं तुम्हें पहले एक कहानी सुनाता हूँ. इट वॉज़ इन अ प्लेस यू हैव नेवर बीन टू. इट वॉज़ इन कोरिया, June 1953. ये वो जगह थी जहाँ इससे पहले तुम कभी नहीं गई. ये कोरिया था, कोरिया में June 1953. मैं उसकी बातों में बता रहा हूँ, June 1953. तो मेरी बात समझना ज़रा कि क्या कह रहे हैं भाई. ये एक सोल्जर थे, इन्होंने लड़ाई लड़ी है, जंग लड़ी है, कोरियन वॉर लड़ी है. कोरियन वॉर के अंदर ब्रिटेन भी इंक्लूड थी, अमेरिका भी इंक्लूड था उसके अंदर, ठीक है, कोरियन वॉर के अंदर. उसी कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया स्प्लिट हो गया था दो पार्ट के अंदर, ठीक है, 1955 के बाद ऐसा हुआ था. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ उस जगह के बारे में जहाँ तुम कभी नहीं गई होगी. कोरिया की बात कर रहा हूँ. उस वक्त कोरिया एक मुल्क था पूरा, सिर्फ कोरिया. अब कोरिया कोई मुल्क नहीं है, अब ये तो नॉर्थ कोरिया है या तो साउथ कोरिया, सिर्फ कोरिया कुछ नहीं है, ठीक है. तो June 1953 की बात कर रहे हैं जब कोरियन वॉर लड़ी गई, बहुत मशहूर जंग थी, वर्ल्ड वॉर टू के बाद लड़ी गई थी. एक बड़ी अलग दास्तान है, ठीक है, तो वो मैं इस पर अभी डिटेल में नहीं जा रहा, उसके आगे बढ़ता हूँ. आई हैड बीन वाउंडेड, मैं ज़ख्मी हो चुका था. And they had stepped me on a stretcher and dumped me by the roadside to wait for an ambulance if I didn't peg out first. मैं ज़ख्मी हो चुका था और उन्होंने मुझे लिटा दिया था स्ट्रेचर पे और मुझे रोड साइड के सामने फेंक दिया था ताकि मैं एक एम्बुलेंस का इंतज़ार करूँ अगर मैं मर ना जाऊँ पहले. पेग आउट मतलब मर जाना. आई वॉन्टेड टू डाई एनी वे, आई हैड नथिंग टू लिव फॉर. मैं मरना चाहता था किसी भी तरह से, मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं था. द पेन वॉज प्रीटी बैड, दर्द बहुत मुश्किल था. शी वॉज अच्छा आई गेस आई फेंटेड, मुझे लगा मैं बेहोश हो गया. व्हेन आई केम टू, जब मुझे होश में आया, देयर वाज अ कोरियन गर्ल बेंडिंग ओवर मी. अब आगे सुनते हैं, इसमें बहुत सस्पेंस है, कोई नहीं बता सकता गाने में क्या होने वाला आगे. जब मुझे होश में आया, तो वो तो कभी गई नहीं ना कोरिया, तो वहाँ पर एक कोरियन गर्ल थी जो झुक कर मेरी तरफ देख रही थी. शी वॉज अबाउट 14, 14 साल की वो एक लड़की थी. नॉट प्रीटी, ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी यकीनन, बट फ्रेंडली ब्राउन आईज, भूरी आँखें थी उसकी दोस्ताना. एंड लॉन्ग ब्लैक प्लेट्स हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ हर शोल्डर, और लंबी काली चोटी जो लटक रही थी, जो हैंग कर रही थी उसके शानों पर, उसके कंधों पर. शी डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं बोला. शी जस्ट स्माइल, वो भी देख कर मुस्कुराई बस. एंड आई स्माइल्ड बैक, मैं भी देख कर मुस्कुराया उसको. सम बिजी बॉडीज चेस हर अवे, कुछ मसरूफ लोग फौजी वगैरह उसको उठाकर लेकर चले गए उस बच्ची को. देन द एम्बुलेंस केम अप, उसके बाद एम्बुलेंस आ गई. एंड आई वॉज जॉल्टेड फॉर माइल्स टू हॉस्पिटल, और मीलों दूर मुझे अस्पताल लेकर जाया गया. द पेन वॉज मच वर्स, दर्द और बढ़ चुका था. बट आई कुड बेयर इट नाउ, लेकिन अब मैं उस दर्द को बर्दाश्त कर सकता था. आई डिडंट वॉन्ट टू डाई एनीमोर, अब मैं मरना नहीं चाहता था. आई वॉन्टेड टू लिव, मैं अब जीना चाहता था. आई न्यू आई शुड लिव, मैं जानता था मैं जीऊँगा. आई हैड अ पर्पस, अब मुझे मकसद मिल चुका था.
इट वॉज जस्ट फॉर अ मोमेंट और टू दैट शी एंड आई मेट. एक या दो लम्हे के लिए मैं उस बच्ची से मिला. वी शैल नेवर मीट अगेन. हम दोबारा ही नहीं मिल पाएंगे उस बच्ची से. बट एट दैट वन मीटिंग गेव मी द स्ट्रेंथ एंड करेज टू लीव. लेकिन उस एक मुलाकात ने, आधे मिनट की मुलाकात ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया जीने का. ही स्टॉप्स ऑलमोस्ट ओवरकम. वो रुक जाता है बोलते बोलते. शी, यस आई कैन अंडरस्टैंड दैट हर स्माइल मेड यू रियलाइज दैट देयर वॉज स्टिल सम गुडनेस इन लाइफ. हाँ, मैं वो समझ सकती हूँ. उसकी मुस्कुराहट ने तुम्हें एहसास दिलाया कि ज़िंदगी में कुछ अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से तुम जियो. ही इट मेड मी रियलाइज वॉट माई डॉटर वुड हैव बीन लाइक इफ शी हैड लिव्ड. नहीं नहीं, मुझे ऐसा ये एहसास हुआ कि अगर मेरी बेटी भी उस जैसी ही होती, अगर वो जिंदा होती तो मेरी बेटी भी लगभग उसी की उम्र की वैसी ही होती. शी, ओह आई एम सॉरी. और मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी की वफात हो चुकी है. शी, इट गेव मी अ पर्पस इन लाइफ. इससे मुझे जीने का एक मकसद मिला. शी, व्हाट पर्पस, क्या मकसद मिला. ही वायलेंटली गुस्से से कहता है, रिवेंज, बदला. शी, द इनोसेंट चाइल्ड स्माइल परसुएडेड यू टू डेडिकेट योर लाइफ टू विकेडनेस एंड हेट. उस मासूम बच्ची की मुस्कुराहट ने तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम अपनी जिंदगी गुजार दो विकेडनेस, बदमाशी में, एंड हेट और नफरत में, बदले के लिए. ही, वेंजेंस इज नॉट विकेडनेस. इट इज नॉट विकेड टू पनिश द इवेल डूअर. बदला लेना बदमाशी नहीं है. ये बदमाशी नहीं है कि हम बुरा करने वालों को सजा दें. शी जेंटली, नरमी से कहती है, उकंटा, वेंजेंस इज माइन सेड द लॉर्ड. खुदा ने तो कहा है, खुदा ने तो कहा है, वेंजेंस इज माइन, बदला मेरा है, मैं बदला लूंगा लोगों से, कि मैं बदला लेने वाला हूँ, तो तुम क्यों बदला लोगे. ही, आई डोंट बिलीव इन दैट स्टफ, नॉट आफ्टर वॉट हैड हैपन टू माई लिटिल गर्ल एंड टू माई वाइफ. अच्छा, अब ये वो कहता है, मतलब वो शख्स कहता है, शायद वो अथीस्ट है, मतलब उसका ईमान नहीं है क्रिश्चियनिटी पर. वो कहता है, मैं उस चीज़ पर, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता, रिलीजियस चीज़ों पर मुझे बिलीव नहीं है. और जो कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ उसके बाद मुझे और बिलीव नहीं है. और जो मेरी बेबी के साथ हो, जो मेरी बेटी के साथ हो, और दोनों की डेथ हो गई, उसके बाद से मुझे बिलीव नहीं है इन चीज़ों पर कि खुदा बदला लेगा. शी गेट्स अप एंड स्क्रॉल्स अक्रॉस द रूम. वो उठती है और चहलकदमी करने लगती है कमरे में. ही फॉलोज हर विथ हिज आइज. वो देखते रहते उसको चलते हुए. शी टेक्स अप अ पोजीशन विथ हर बैक टू द सूटकेस. वो एक जगह पर आ जाती है, सूटकेस उसके पीछे होता है. हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक. उसने अपने हाथों को पीछे बांधा हुआ होता है और वो सूटकेस के पास जाके खड़ी हो जाती है. अच्छा, फ्रंटिंग है और सामने होता है वो शख्स बैठा हुआ, और वो खुद चले जाती है सूटकेस के पास हाथों को पीछे बांध कर. सूटकेस उसके पीछे होता है, वो शख्स सूटकेस नहीं देख पाता. ही मूव्स टुवर्ड्स द डोर. वो दरवाजे के पास जाता है, वो शख्स ओपन सीट खोलता है, उसको बाहर देखता है, एंड शट्स इट अगेन, दोबारा बंद कर देता है. तेज़ तूफान चल रहा होता है बाहर. शी रिटर्न्स टू हर सीट बाय द फायर. वो दोबारा बैठ जाती है आग के सामने अपने सीट पर. When she moves away from the suitcase, it appears that she has stuck the label under the flap so that it is no longer visible. जब वो दूर हटती है suitcase से, तो ये दिखता है कि उसने label को tuck कर दिया, अंदर डाल दिया pocket में. अब वो नहीं दिख रहा, मतलब ये जो suitcase है ना, tie on label, वो पे pocket type को, तो उसके अंदर डाल के आ जाती है, उसको छुप के, मतलब पीछे से. तो उसको पता लग जाता है कि अब ये नाम, उसको पता नहीं लग जाए, उसको नाम दिख चुका है, लेकिन वो जाकर जो है वो जाहिर नहीं हो, तो उसके लिए वो अंदर डाल लेती है जाकर उसको. ही कम्स बैक. वो वापस आता है दरवाजे से, ग्लैंसिंग विद द ग्रेटेस्ट एयर ऑफ कैजुअलनेस एट द सूटकेस. और सूटकेस की तरफ पहले वो देखता है, उसको पता लग जाता है कि उसने जो नाम छुपा दिया अपना. ही, देयर आर सेवरल सॉर्ट्स ऑफ मैन बट देयर ओनली टू काइंड्स ऑफ वुमेन. वो कहता है, मर्द बहुत तरह के होते हैं, औरतें सिर्फ दो तरह की होती हैं. मर्द के बहुत से एग्जाम हैं, औरतें सिर्फ दो ही तरह की होती हैं. शी, यू मीन दोज हु आर गुड लुकिंग एंड दोज हु आर नॉट. वो कहती है, मतलब वो लड़की, वो औरतें तो अच्छी दिखती हैं और वो तो अच्छी नहीं दिखती. मतलब औरतों के दो किस्म है, ब्यूटीफुल एंड अगली. ही, नो आई मीन दोज हु आर गुड एंड दोज हु आर नॉट. नहीं, मैं कहना चाहता हूँ वो औरतें जो अच्छी होती हैं और वो जो अच्छी नहीं होती हैं. दत्त को माइजोकेमिस्ट टाइप का शख्स है, वुमेन हेट्रेड इसके अंदर है. शी, एंड यू क्वाइट श्योर इन विच कैटेगरी टू प्लेस मिसेस ओकेंटप. और तुम किस कैटेगरी में मिसेस ओकेंटप को रखना चाहते हो. ही, नाउ लुक हियर, यू नो दिस वुमेन. अब जरा देखो, तुम जानती हो इस खातून को. यू नो व्हाट शी डिड, डोंट यू. तुम्हें पता है उसने क्या किया, तुम नहीं जानती. शी फेंटली, बेहोशी के आलम में कहती है, आई थिंक आई नो व्हाट यू मीन. मुझे लगता है मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो. ही, यू नो व्हाट आई मीन, ऑल राइट, शी मर्डर्ड माई वाइफ एंड डॉटर. तुम जानती हो, बिल्कुल तुम जानती हो, उसने मर्डर किया, उसने कत्ल किया है मेरी बीवी का और मेरी बेटी का. शी वॉज नॉट कन्विक्टेड ऑफ मर्डर. उस पर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगा था. शी वॉज नॉट इवन चार्ज विथ मर्डर. उसको कत्ल की सज़ा भी नहीं सुनाई गई थी. तुम क्या बात करते हो. ही, नो दे कॉल इट मैन स्लॉटर. नहीं, वो उसको हादसाती मौत कहते हैं.
बट यू नो वॉट आई कॉल इट मर्डर, प्लेन डेलिबरेट हार्टलेस क्रूल मर्डर. लेकिन तुम जानती हो मैं इसको मर्डर पुकारूंगा, मैं इसको सादा डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब दिल से, हार्टलेस मतलब हार्टलेस जालिमाना तरह से जो मर्डर किया गया, मैं उसको ये कहता हूँ कि उसने मेरी बीवी और मेरी वाइफ, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर का मर्डर किया है. बट एक्सीडेंटल मौत की बात करें, वो कहती है कि लेकिन ये तो मैन स्लॉटर था, कोर्ट ने तो कहा था कि हादसाती मौत हुई, एक्सीडेंट से मौत हुई है. लेकिन ये शख्स कह रहे हैं कि नहीं, वो मौत जो है वो उसने जानबूझ के किया था, जानबूझ के मारा था. शी इट वॉज एक्सीडेंट, ये तो एक हादसा था सिर्फ. हे शी वॉज ड्राइविंग एट 50 miles an hour इन अ बिल्ट अप एरिया. शी पुल्ड आउट टू ओवरटेक अ बस ऑन अ ब्लाइंड बेंड एंड शी सॉ हरसेल्फ रनिंग स्लैप इनटू अ लॉरी कमिंग द अदर वे. शी हैड अ चॉइस, शी कुड रैम द लॉरी एंड किल हरसेल्फ और शी कुड स्वर्व ऑनटू द पेवमेंट एंड किल टू इनोसेंट पेडेस्ट्रियंस. शी डिडंट हेसिटेट, इट वॉज हर लाइफ फॉर द अर्थ. शी माउंटेड द पेवमेंट एंड शी इज अलाइव टुडे एंड माई वाइफ एंड द लिटिल गर्ल अलजेट. वो कहती है, कहता है वो कि ओकेंटा चला रही थी गाड़ी 50 miles per hour के हिसाब से, 50 miles per hour के हिसाब से वो गाड़ी चला रही थी, कार चला रही थी एक बिल्ट अप एरिया में, वो एरिया जहाँ पर कंस्ट्रक्शन जा रही थी, जहाँ पर तोड़ फोड़ मची हुई थी. और उसने एक ओवरटेक किया एक बस को, मतलब एक बस के आगे गई वो, एक ब्लाइंड मैन में, एक अंधा मोड़ता, ब्लाइंड मैन 90 degree पे मुड़ रहा होता है, ब्लाइंड मोड़ता है, अंधा मोड़ आपने देखा हो, यूँ करके यूँ मुड़ जाता है, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड मैन. तो इधर पर क्या गाड़ी जा रही है आपको नहीं पता. उसने एक ब्लाइंड मैन पर क्या किया, उसने एक बस को ओवरटेक किया और उसने देखा कि वो जाकर टकराने वाले एक लॉरी से, लॉरी मतलब एक ट्रक, ब्रिटिश इंग्लिश में लॉरी कहते हैं, अमेरिकन ट्रक कहते हैं, एक ट्रक पे जाकर टकराने वाली है और ख़ुद को मार देने वाली है. तो उसने क्या किया, बजाय अपने आप को मारने के उसने गाड़ी चला दी पेवमेंट में, फुटपाथ पे गाड़ी चला दी, और फुटपाथ पे दो मासूम प्यादे पैदल लोग चल रहे थे उस पर गाड़ी चला दी उन्होंने. उसने कोई भी हिचकचाहट नहीं दिखाई, उसने कोई हेजिटेट नहीं किया, उसने गाड़ी चला दी. या तो उसकी ज़िंदगी थी या उन लोगों की ज़िंदगी थी. उसने गाड़ी चढ़ा दी फुटपाथ पर और आज वो कैंटअप तो ज़िंदा है लेकिन मेरी बीवी और मेरी बेटी वो मर चुके हैं. मतलब वो फुटपाथ पर वो दोनों चल रहे थे उसकी, तो उसने गाड़ी चढ़ा दी, इस तरह से उनकी मौत हो गई. तो ये एक हादसाती मौत वैसे तो आपको भी लग रहा है, क्योंकि इस अच्छा इस तरह की अगर मौत हो जाए ना, ये वाकई में हादसाती मौत होती है. मिसाल के तौर पर अगर उसने सेल्फ डिफेंस के लिए, उसने गाड़ी वो चला रही थी और उसको लग रहा है कि वो ठोक देगी गाड़ी खुद मर जाएगी, तो वो गाड़ी फुटपाथ पर डाल सकती है. अगर फुटपाथ पे कुछ लोग मर भी जाते हैं ना इन केस, तो इसको सजाए मौत नहीं मिलेगी उस सूरत में. हाँ, उसको जुर्माना होगा, कैद होगी, लेकिन सजाए मौत नहीं मिलेगी. सजाए मौत होती है डेलिबरेट मर्डर पे. इतने जानबूझ के गाड़ी अगर मारी हो तो, जानबूझ के गाड़ी मारने पे सजाए मौत है. या फिर अगर इंसान नशे में गाड़ी चला रहा हो तो, अगर आप नशे में गाड़ी कोई भी चलाएगा ना, शराब पीकर गाड़ी चलाएगा और वो मर्डर कर देगा किसी का, तो वो उस सूरत में सजाए मौत मिलनी है उसको. ये एक रूल है, दुनिया का कोर्ट का असूल है. क्योंकि शराब तो उसने अपनी मर्जी से पीना भाई, तो सूरत में सजाए मौत उसके लिए, चूँकि उसने इस तरह से, अगर शराब उसे अपनी मर्जी से किया तो एक्सीडेंट भी उसने मर्जी से किया अपने एक तरह से. इसलिए मना होता है शराब पी के गाड़ी चलाना, बिल्कुल मना होता है. फिल्मों में दिखाते हैं कि जो शराब पिया होता है उसको ड्राइव करने नहीं देता, बोलते भाई तू साइड में बैठा मैं ड्राइव करता हूँ. चूँकि अगर कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो गया तो सजाए मौत पक्की है, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो सजाए मौत नहीं होती है. फिर पूरी इंक्वायरी बैठती है उसके पीछे, तो वो कुछ भी सजा दी जाती है, कुछ सालों की, कुछ महीनों की, और कुछ जुर्माना डाल दिया जाता है, बट मौत की सजा नहीं देते हैं उस सूरत में. क्योंकि जायज़ भी नहीं होगा ना मौत की सजा देना, उससे सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा किया, गलती से हो गया तो उसके लिए सजा मौत नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए. ठीक है, तो ये तो आगे कहती है, ही कहता है कि एंड डू यू नो व्हाई शी वाज ड्राइविंग सो क्रिमिनली फास्ट, शी वाज ड्रंक. और तुम जानती हो वो क्यों इतनी तेज़ी के साथ गाड़ी चला रही थी, चूँकि वो नशे में थी, वो ड्रंक थी, वो पी हुई थी. शी प्रोटेस्टिंग, शी वॉज नॉट ड्रंक, वो पी हुई नहीं थी. ही शी हैड बीन टू अ कॉकटेल पार्टी एंड शी वॉज ड्राइविंग फास्ट फॉर अ बेट, वन ऑफ अ रटन सेट हैड वेगर्ड हर 5 pounds. शी वुडंट ड्राइव फ्रॉम स्टेंट और फोप टू द कोर्स इन अंडर 15 minutes. यू नो द रोड, यू नो द डिस्टेंस, यू नो द बेंड्स एंड द ब्लाइंड कॉर्नर्स एंड द ट्रैफिक ऑन दैट रोड. यू नो इट कॉन्ट बी डन रिजनेबली इन मच अंडर 30 minutes. यू कॉन्ट टेल मी इट वॉजेंट अ डेलिबरेट मर्डर. वो कहता है वो एक कॉकटेल पार्टी में गई हुई थी, कॉकटेल पार्टी शराब वगैरह जिसमें पिया जाता है वो कॉकटेल पार्टी कहलाती है. वो एक कॉकटेल पार्टी में गई हुई थी और वहाँ पर वो तेज चला रही थी एक बेट के लिए, एक शर्त के लिए. उसकी एक रोटन सेट मतलब उसकी एक बेकार सी दोस्त, रोटन सेट मतलब बेकार दोस्त, उसकी एक बेकार दोस्त ने उससे शर्त लगाया था 5 pounds का कि वो स्टेंट होप क्रॉस से कोस्ट तक, साहिल समंदर तक 15 minutes में नहीं पहुँच सकती. तुम जानती हो उस रोड को, तुम जानती हो फासला, तुम जानती हो मोड़ उसके और ब्लाइंड कॉर्नर उसके और ट्रैफिक कितना होता है उस रोड पर. आधे घंटे से पहले ये नहीं किया जा सकता.
तो वो 15 मिनट में पहुंचना चाह रही थी वहाँ तेज स्पीड में, तो तुम नहीं कह सकते कि ये एक डेलिबरेट मर्डर नहीं है, ये मैं जानबूझ के कत्ल था ये मेरी बेटी और मेरी बीवी का, क्योंकि उसने पहली बात तो उसने नशे में थी और दूसरी शर्त लगाई हुई थी उसने अपनी कि वो 15 मिनट के अंदर पहुँचेगी। अखबार में छपा था, झूठे घंटा पर केस अखबार में छपा था, तभी तो वो कह रहा था मैंने न्यूज़पेपर में सुना है इसके बारे में, तो सबको पता था उसके बारे में, ठीक है, और वो रहती भी उसके इलाके में थी तो वो ज़्यादा बेहतर उसको पता था, मतलब ये इस तरह से ये बता रही है शी द पुलिस डिडंट कॉल इट मर्डर, वो कहते हैं पुलिस ने तो उसको मर्डर नहीं कहा था, पुलिस तो कहती थी मैन स्लॉटर है, मैन स्लॉटर मतलब ये एक हादसाती मौत है, एक्सीडेंटल डेथ है, ही आई कॉल इट मर्डर एंड सो डू यू इन योर हार्ट यू नो इट वॉज मर्डर, वॉट माई वाइफ एंड चाइल्ड टू हर एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर यू स्पोक जस्ट नाउ अबाउट मीटिंग पीपल वंस फॉर अ मोमेंट एंड नेवर सीइंग देम अगेन, मिसेस जोटो क्विंटा मेट माई वाइफ एंड डॉटर फॉर वन स्प्लिट सेकेंड एंड शी क्रश द लाइफ आउट ऑफ देम, आई सेट देम एट बट दे हैड देयर बैक्स टू हर दे डिडंट इवन सी हर, वो कहता है मैं ऐसे मर्डर कहता हूँ और तुम भी कहती हो अपने दिल में, मैं जानता हूँ तुम भी इसको सोचती हो कि ये मर्डर था, मेरी बीवी और मेरी बच्ची क्या थी उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे, तुमने भी बात की थी कि लोगों से एक लम्हे दो लम्हे की मुलाकातों के बारे में, उसके बाद दोबारा नहीं देखना उनको, इन मुलाकातों के बारे में हमने बात की है, मिसेज जोटो क्विंटा मिली थी मेरी बीवी से मेरी बेटी से एक सेकंड के लिए और उस एक सेकंड में ज़िंदगी छीन ली उन्होंने उससे, मैं कहता है वो मिले थे लेकिन उनकी पीठ थी उनकी तरफ ओकेंटप की तरफ, वो तो सीधे जा रहे थे पीछे से गाड़ी हिट की ना, उन्होंने तो देखा भी नहीं था मेरी मतलब तुम्हें मतलब उन्होंने तो ओकेंटप को देखा भी नहीं था, और बिना देखे एक सेकंड की मुलाकात से ज़िंदगी चली जाती है इंसान की, एक्सीडेंट जब होता है तो तुम कहती हो कि इन कैजुअल मीटिंग्स की वैल्यू नहीं है, मेरे नज़दीक तो ये एक सेकंड की मुलाकात ही बड़ी अहमियत रखती है, जो दो स्टोरी थे दोनों स्टोरी उसने सुना दी, शी राइजिंग उठते हुए हाउ डू यू नो शी सॉ देम, तुम्हें कैसे पता उसने देखा था उन्हें, देख कर हिट किया था ही, हाँ वो दोस्ती थी इसकी ओकेंटा तभी उसको सारी चीज़ें पता है ही, मतलब वो ये यही है लेकिन वो जाहिर ये कर रही है कि मैं उसकी दोस्त हूँ फ्रेंड हूँ, मैंने कुछ लाइन छोड़ी है बीच में तो उसमें ये चीज़ लिखी भी थी, शी सेड एट द ट्रायल दैट शी डिडंट सी देम, हाँ उसने कोर्ट में ये कहा था केस में कि उसने नहीं देखा है, बट शी सॉ देम एट राइट, लेकिन उसने देखा देखी नन, शी हैड टू चूज बिटवीन हर लाइफ एंड देयर्स एंड शी चूज टू मर्डर देम, उसको अपनी और उनकी ज़िंदगी में से किसी एक की ज़िंदगी को चुनना था, उसने क्या किया उनको अपनी ज़िंदगी को चुना और मर्डर कर दिया मेरी बीवी और मेरी बेटी का, शी हाउ कैन यू बी श्योर ऑफ दैट इट मस्ट हैव ऑल हैपेंड इन अ फ्लैश, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो ये सब कुछ तो एक लम्हे में हो गया होगा, ही स्कॉर्नफुली गुस्से से कहता है हर काउंसिल टोल्ड हर टू से दैट शी डिडंट सी देम, ही मेक अ ग्रेट पॉइंट ऑफ इट दैट वॉज वाई शी गॉट अवे विथ ओनली 18 मंथ्स इन गोल, उसके काउंसिल मतलब उसका वकील, उसके वकील ने उससे कहा था कि वो बोले कोर्ट में कि उसे नहीं देखा है, उससे उसको एक अच्छा पॉइंट मिल गया उसको बचाने का, यही वजह है कि मिसेज जोटो क्विंटा कोर्ट से बाहर निकल के मतलब सज़ा बाइज़त बरी हो गई और उसको सिर्फ 18 महीने कैद की सज़ा मिली, 18 मंथ्स इन प्रिजन, 18 महीने कैद की सज़ा उसको मिली, सज़ा मौत उसको नहीं मिली, शी 18 मंथ्स इन अ प्रिजन शी सर्व्ड द सेंटेंस, 18 महीने कैद की सज़ा उसको सुना दी गई, क्या ये सज़ा उसको नहीं सुनाई गई, 18 महीने कैद की सज़ा तो उसको मिल गई थी ना, तो काफ़ी थी ये कोर्ट ने जब दिया था तो काफ़ी था ये सज़ा, शी हैज़ नॉट हर पनिशमेंट इज कमिंग टू हर अ फ्यू मंथ्स इन प्रिजन फॉर क्रशिंग एन इनोसेंट वुमेन एंड चाइल्ड टू डेथ, नहीं उसको सजा नहीं मिली, उसकी सजा उसके पास आ रही है चल के, अभी एक कुछ महीने गुजार दिए उसने कैद में, उसने जबकि उसने कुचला था एक मासूम औरत को और एक बेटी को और एक बच्ची को, उसको मार दिया, शी अनेबल टू चेंज द सब्जेक्ट, वो मौजू तब्दील नहीं कर पा रही थी बात का, एंड वेन यू मीट दिस मिसेज ओकेंटा वट डू यू पर्पज टू डू, और जब तुम मिलोगे मिसेज ओकेंटा से जाकर स्टेंट हॉर्प में तो तुम क्या करोगे, ही कामली आराम से कहता है शैल किल हर, मैं उसको मार दूंगा जान से, शी वाइल्डली किलर नो यू कैन डू दैट, मार दोगे उसको, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ही आई हैवंट क्वाइट मेड अप माई माइंड हाउ आई वॉन्ट टू डू इट द मोस्ट पेनफुल वे, मैंने अब तक अपना जहन बनाया नहीं मैं मारूंगा कैसे उसको, लेकिन मैं बहुत दर्दनाक तरह से मारूंगा उसको, शी विल यू गिव हर एनी वार्निंग, क्या तुम्हें कोई पेशगी इतला दोगे उसको मारने से पहले, कोई वार्निंग भेजना चाहोगे उसको, कि नेचुरली शी विल नो वाई शी इज बींग पनिश्ड, फितरी तौर पर उसको पता ही होगा मैं उसको क्यों मार रहा हूँ, तो मुझे वार्निंग देने की जरूरत नहीं है, शी सो टुमारो मॉर्निंग यू आर गोइंग टू ऑट टू कमिट मर्डर, तो कल सुबह तुम एक मर्डर करने वाले हो, ही टू एग्जीक्यूट जस्टिस, मैं इंसाफ को बहाल करने वाला हूँ, इंसाफ करने वाला हूँ कल, बट आई डोंट थिंक आई शैल वेट टिल टुमारो मॉर्निंग, आई थिंक आई शैल किल हर टू नाइट, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कल सुबह तक इंतजार करूँगा, लगता है मैं आज ही मार दूंगा जोटो क्विंटा को, शी अलार्म आज रात,
मतलब अब उसको तो जानते ही हो कंटप है. अच्छा ओकंटप को ये नहीं पता कि उसको जान चुका है. शी ब्राइटली, बट वाई यू टेल मी योर प्लान इन एडवांस इफ आई टेल द पुलिस. लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो एडवांस में अपने सारे प्लान, अगर मैं पुलिस को बता दी तो ये सारी बातें. ही आई हैव थॉट ऑफ दैट, मैंने सोचा था ऐसा. अवर मीटिंग इज ऑलमोस्ट ओवर, वॉज दैट अ नाइस लिटिल स्टोरी टू पास द टाइम. वी कुड हैव स्पेंड दीज 20 मिनट्स इन लुकिंग एट ईच अदर, विच वुड हैव बीन प्लेजेंट एनफ फॉर मी बट नॉट मच फन फॉर यू. सो आई थॉट आई वुड लाइक यू टू कीप यू अम्यूज्ड. हमारी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है मीटिंग, 20 मिनट होने वाले हैं. क्या ये एक बहुत अच्छी कहानी थी टाइम पास करने के लिए? तो हम ये 20 मिनट गुजार सकते थे एक दूसरे को देख कर, जो शायद मेरे लिए तो बहुत खुशगवार होता, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता. मतलब शायद हम एक दूसरे को देखते तो मेरे लिए तो अच्छा कि मैं देखते रहता हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये चीज़. इट इज़ नॉट गुड फॉर फीमेल्स. सो आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कहानी सुना दूँ ताकि तुम्हें मज़ा आ जाए. शी, हाउ डिड यू नो दैट आई वॉन्टेड टू बी एम्यूज. तुम्हें क्यों लगता था, तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मैं जो है वो एम्यूज होना चाहती हूँ, मुझे तफरी चाहिए. ही, ऑल लेडीज़ लाइक टू बी एम्यूज, दैट्स वॉट मैन आर फॉर, टू एम्यूज द लेडीज़. तमाम औरतें जो महसूस होना चाहती हैं, मर्द होते ही इस वजह से हैं टू एम्यूज द लेडीज़, क्या लेडीज़ को एम्यूज़ करने के लिए. ठीक है, मतलब वो एक तरह से वो एक फ़नी वे पर चीज़ों को बात कर रहा है. शी, नो आई डिडंट एंजॉय इट, यू सी द स्टोरी इज़ पार्टली ट्रू. देयर रियली इज़ द मिसेज जो डूइंग अ टबेट इंस्टेंट हॉप. आई डू नो हर, शी डिड किल अ वुमन एंड चाइल्ड इन अ मोटर एक्सीडेंट ड्राइविंग फास्ट फॉर अ बेट. शी डिड सर्व 18 मंथ्स इन प्रिजन. अच्छा, वो इससे झूठ इसलिए बोला ना कि ये सच उगल रही है, सच उगल रही है. नहीं, मुझे मज़ा नहीं है ये कहानी सुनकर. तुम जानते हो तुम्हारी कहानी थोड़ी सी सच्ची है. वाकई में एक मिसेज जोड़ी घंटा पे स्टैंड हॉप में रहती हैं, मैं उनको जानती भी हूँ. और उन्होंने मारा है एक औरत को और एक बच्ची को एक मोटर एक्सीडेंट में, और वो तेज़ भी चला रही थी एक शर्त के लिए. एक शर्त उन्होंने रखी थी, शर्त की वजह से तेज़ चला रही थी, और उनको 18 महीने कैद की सज़ा मिली थी. मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि शर्त उन्होंने लगाई थी. शी सीरियस अगेन, दोबारा संजीदा हो जाते, कहते हैं मैं जानता हूँ ये बात. शी एज फॉर द हस्बैंड यू मे बी हर ही फॉर ऑल आई नो. और जहाँ तक उसके हस्बैंड की बात है, वो भी तुम हो जिसको उसने मारा. ही आई एम, हाँ मैं ही उसका हस्बैंड हूँ. शी ही, सो एवरीथिंग इज़ ट्रू अबाउट योर स्टोरी एक्सेप्ट दैट यू हैव कम हियर टू किल मिसेज ओकंटप. अच्छा, मतलब सब कुछ तुम ठीक कह रहे हो अपनी कहानी में, सवाई इसके कि तुम यहाँ पर मारने के लिए आए हो ओकंटप को. ही, दैट्स ट्रू टू. नहीं, वो भी सच्ची बात है, मारने ही आया हूँ. शी, अब वो दोबारा केस पलट देता उसका. शी, आई कांट स्टैंड इट, आई स्क्रीम. मैं ये नहीं सह सकती और मैं चिल्ला उठूंगी. ही इज़ बैक टू द डोर, दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है जाकर. नो वन विल हेयर यू, इफ एनी वन डज ही विल ओनली टेक इट फॉर द वाइंड. लिसन, कोई भी नहीं सुनेगा तुम्हें, अगर कोई सुनेगा भी तो उसको लगेगा तेज़ हवा चल रही है क्योंकि बाहर आंधी आई हुई तेज. अब सुनो, ही पुल्स अ रिवॉल्वर फ्रॉम हिज पॉकेट एंड पॉइंट्स इट एट हर. वो अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है और उसकी तरफ तान देता है. शी रिकॉल्स, पीछे हटती है वो. देयर इज अ रैटलिंग एट द डोर बिहाइंड हिम, पीछे से खटखट होती दरवाजे पे. एंड ही मूव्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ता है. पॉकेटिंग द वीपन बट कीपिंग हिज हैंड ऑन इट, जेब में रख देता है अपना हथियार, लेकिन अपना हाथ उस हथियार पर रखता है, मतलब जेब के अंदर. ही फ्रोन्स थ्रेटलिंगली एट हर, वो गुस्से से देखता है, मतलब उसके माथे पे शिकन आती है, फ्रोन करता है, गुस्से से देखता है उसकी तरफ, ओकंटप की तरफ. एज द पोर्टर पुशेस द डोर ओपन एंड कम्स इन, और से दौरान कुली दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है. ये कुली, ये सस्पेंस को ब्रेक कर दिया उसने. पोर्टर, आई हैव जस्ट कम अलॉन्ग टू टेल यू दैट एक्सप्रेस इज रनिंग अ बिट लेट. मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो ट्रेन है थोड़ी सी और लेट हो गई है. इट वोंट बी टिल इन टिल 9:05, 9:05 पर अभी आएगी ट्रेन. सो यू डू नॉट नीड टू टर्न आउट इन द रेन येट अ वाइल, इसलिए आप लोग सर्दी जो है बारिश में बाहर नहीं निकलना. ही पोलाइटली, थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो, शुक्रिया हमें बताने का ये बात. पोर्टर, आर यू ऑल कॉम्फी हियर, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पर. ही, यस क्वाइट थैंक यू, हाँ बहुत ठीक चल रहा है, शुक्रिया. द पोर्टर टर्न्स टू गो आउट, वो जाने लगता है बाहर. शी स्टेपिंग फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ती है औरत और कहती है, पोर्टर सुनो मेरी बात. पोर्टर कहता है, पॉसिंग एंड लुकिंग एट राउंड एट हर, रुकते हैं और देखता है उसकी तरफ. ऑब्लिवियस ऑफ द माइंड हु बिहाइंड हिज बैक इज मेकिंग वार्निंग गेस्टर्स एट हर, और वो नहीं देख पाता है उस शख्स को जो पीछे खड़ा होता है उसके, और वो कंटप को देख रहा होता है वार्निंग गेस्टर्स के साथ, वार्निंग दे रहा होता है अपनी आंखों से. मतलब वो सामने खड़ा है पोर्टर, और वो हमने सामने, और पोर्टर के पीछे खड़ा है वो मर्द, और वो देख रहा हो कंटप आंखों को, मतलब घूर के देख रहा है उसको कि नहीं कुछ भी नहीं करना गलत, और कुछ बोलना नहीं है तो गोली मार दूंगा. यस लव, हाँ मेरी प्यारी बोलो क्या हुआ. पोर्टर का एक अंदाज है बोलने का. शी इज देयर आर रेस्टोरेंट कार ऑन द एक्सप्रेस, बाहर की कार वगैरह खड़ी हुई, टैक्सी वगैरह. पोर्टर, देयर इज लव बट द स्टाफ हैज पैक्ड अप एंड गॉन होम बिफोर द एक्सप्रेस रीचेस हियर. होती तो है लव, लेकिन जो स्टाफ है
वो सब कुछ पैकिंग करके जा चुका है घर इससे पहले कि एक्सप्रेस यहाँ आता, मतलब चले गए हैं जो भी टैक्सी वगैरह सब चले जा चुके हैं। शी गॉन होम, क्या घर जा चुके हैं? पोर्टर इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग लव चकल्स एंड गॉड, वो कहता है मैं यही बात कर रहा हूँ आपसे, वो कहता है और चला जाता है। ही स्टेपिंग स्विफ्टली टू द डोर एंड पुटिंग हिज बैक टू इट, दोबारा से चला जाता है, वो निकलता है पोर्टर और वापस दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है वो शख्स। सो वी हैव 5 more minutes, तो 5 मिनट और है हमारे पास। शी, व्हाट डू यू पर्पस टू डू विद देम, उन 5 मिनट में तुम क्या कहोगे, क्या करोगे? ही, इट्स जस्ट द अमाउंट ऑफ टाइम आई नीड फॉर किलिंग यू, यही वो वक्त है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए चाहिए। शी, मी, मुझे मारोगे? ही, यस यू मिसेस जोडियो कंटब, ओ हाँ तुम्हें मिसेस जोडियो कंटब। शी, ओ नो यू कांट मीट दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ही, आई डोंट मीन इट, मैं ऐसा करूंगा। प्रोड्यूसर्स रिवॉल्वर एंड पॉइंट्स इट एट हर, दोबारा रिवॉल्वर निकालता है, तान देता है उसकी तरफ। यू किल माई वाइफ एंड डॉटर, यू टुक देयर लाइव्स एंड डेट माइन, हैवंट द राइट टू टेक योर्स, तुमने मारा मेरी बीवी को, मेरी बेटी को, तुमने उनकी जिंदगियाँ छीन ली, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, क्या मुझे ये हक नहीं मिलता कि मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूँ? ही, शी, यस परहैप्स यू हैव, हाँ शायद तुम्हें हक मिलता है, बट माई पनिशमेंट हैज बीन वेरी बिटर, मोर बिटर देन यू कैन इमेजिन, हाँ लेकिन मेरी सज़ा बहुत ज़्यादा बिटर, बहुत कड़वी सज़ा मुझे, बहुत सख्त सज़ा मुझे मिली है, इतनी सख्त सज़ा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। ही, अ फ्यू मंथ्स इन अ कम्फर्टेबल प्रिजन, गो डाउन ऑन योर नीज एंड बेग फॉर योर लाइफ, तुम्हें क्या सज़ा मिली है? कुछ महीने तुमने आरामदा जेल में काट लिया, 18 महीने बस, अब अपने घुटने के बल बैठ जाओ, जिंदगी की भीख मांगो मुझसे। शी, यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट वॉज ओनली पार्ट ऑफ इट, व्हाट डू यू सपोज आई थॉट ऑफ ड्यूरिंग दोज लॉन्ग मंथ्स इन प्रिजन, तुम नहीं समझते, तुम्हें सिर्फ हिस्सा पता है, एक हिस्सा तुम सिर्फ जानते हो, तुम्हें क्या लगता है जो इतने लंबे 18 महीने मैंने जेल में गुजारे तो मैं क्या सोचती रही थी? कि बिटरली, सख्ती से कहता है, ऑफ हाउ सून यू गेट कुड गेट बैक टू योर कॉकटेल पार्टी, जाए एक्सपेक्ट, मुझे लगता है तुम ये सोचते हो कितनी जल्दी तुम जेल से बाहर निकलो और दोबारा वो शराब की पार्टी जाकर इंजॉय करो, तुम यही सोच रही होगी। शी, ऑल द टाइम आई हैड वन पिक्चर इन माई माइंड, आई स्वर टू यू दैट आई डिड नॉट सी देम बिफोर द स्मैश, बट आई सॉ देम आफ्टरवर्ड्स, यू आर स्पेयर्ड दैट, बट आई सी इट ऑलवेज, इट इज विद मी वेन एवर आई एम एंड वॉट एवर आई एम डूइंग, आई कैन सी इट नाउ मोर वाइवेंटली देन यू कैन सी, दैट ऑफुल सीन विल हॉन्ट मी एज लॉन्ग एज आई लिव, दैट इज माई रियल पनिशमेंट, टू हैव एवर बिफोर माई एज अ पिक्चर ऑफ वॉट आई हैव डन टिल आई डाई, ऑफ एन आई थिंक आई कैन नॉट बेयर इट, आई कैन नॉट बेयर इट। वो कहती है, तमाम वक्त जब मैं जेल में थी मेरे जहन में एक ही तस्वीर थी, मैं तुमसे कसम खाकर कहती हूँ मैंने उनको नहीं देखा था टक्कर मारने से पहले, लेकिन मैंने बाद में उन्हें देखा, तुम समझ सकते हो मैं हमेशा देखती हूँ उनकी तस्वीरें, जो भी मैंने किया, जो जहाँ पर भी मैं होती हूँ, जो भी मैं कर रही होती हूँ, मैं पहले से ज़्यादा उनकी तस्वीरें देखती हूँ, वो भयानक मंज़र मुझे डराता रहेगा हमेशा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी सज़ा है कि मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर रहे जो मैंने कर दिया है, मतलब वो जो नज़ारा मुझे डराता रहता है रातों में, ख्वाबों में, या हर तरफ मुझे दिखता है वो नज़ारा, यहाँ तक कि मैं मर जाऊँगी, अक्सर मुझे लगता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती है। हार्डिंग हर फेस इन हर हैंड्स, अपने हाथ से अपना चेहरा छुपाती है, कैन यू पनिश मी मोर, क्या तुम और सज़ा मुझे दोगे? ही, इज दैट हाउ यू बेग योर फॉर लाइफ, किस तरह से तुम अपनी जान की भीख मांग रही हो मुझसे? शी, हाफ हिस्टेरिकल, आधे पागलों की तरह कहती है, नो आई बेग फॉर माई डेथ, नहीं मैं अपने मौत की भीख मांग रही हूँ। शी क्लैस्प हर हैंड टुवर्ड्स हिम, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, किल मी, ब्लॉट आउट दैट पिक्चर विच इज़ ऑलवेज बिफोर माई आईज एंड विच आई कैन नॉट एंड्योर, मुझे मार दो, वो उड़ा दो तस्वीर वो मेरे दिमाग से जो मेरी आँखों में है और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो तो तस्वीर उड़ा दो मेरी आँखों से। ही डाउटफुल, शक के साथ कहता है, डू यू मीन दैट टू किल यू वुड बी मर्सीफुल, टू अलाउ यू टू लिव वुड बी माई ट्रू रिवेंज, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मार दूंगा तो तुम पर रहम करूँगा और तुम्हें जीने दूंगा तो ये मेरे अच्छी सज़ा, ये अच्छा बदला होगा मेरा। शी, यस यस किल मी, हाँ हाँ मुझे मार दो। ही लवरिंग द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर नीचे रखता है, आई नेवर थॉट ऑफ दैट, तो मैंने सोचा ही नहीं था। शी, इफ यू रियली हेट मी कंडेम मी टू लीव, शी नील्स अगेन क्लैस्पिंग हिज आर्म्स इंप्लोरिंगली, बट ही पल्सेस हर अवे एंड शी कोलैप्सेस ऑन द फ्लोर सॉबिंग। वो कहती है, हाँ हाँ अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो फिर मुझे जीने दो, अगर तुम मुझे नफरत करते हो तो जीने दो। वो घुटने के बल बैठ जाती है, दोबारा उसके बाजुओं को पकड़ लेती है और वो उसको पीछे धकेलता है और वो नीचे गिर जाती है, ज़मीन पे रोना शुरू कर देती है। ही, यस यू आर राइट, इट वुड बी ग्रेटर पनिशमेंट टू लिव, हाँ तुम ठीक कहती हो, जिंदा रहने दो तुम्हें, यही तुम्हारी बड़ी सज़ा है। ही पुट्स ऑन हिज हैट एंड कोट, उठाते अपने हैट और कोट, पॉकेट से रिवॉल्वर, रिवॉल्वर जेब में डालता है, वॉक्स आउट, बाहर निकल जाता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, दरवाज़ा बंद कर देता है। एज सून एज ही इज़ गॉन,
जैसे ही वो जाता है, शी स्प्रिंग्स टू हर फीट, वो अपने पाँव पे खड़े हो जाती है, टर्न्स टू द डोर एंड पुट्स हर फिंगर टू हर नोज एट हिम, दरवाजे की तरफ मुड़ती है और दरवाजे की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देती है। वो हंसना शुरू कर देती है कि मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। व्हाइल शी इज स्टैंडिंग दस, जैसे वो खड़ी होती है, ही ओपन द डोर सडनली, अच्छा वो अपना सूटकेस भूल जाता है, वो दरवाज़ा खोल देता दोबारा। सीजर देखता है उसको हंसते हुए, रेजेस द रिवॉल्वर्स एंड फायर्स, उठाते हैं रिवॉल्वर दोबारा फायर करता है। शी वॉज डेड, ओकेंटा गिरती है और गिरकर मर जाती है। ही पॉकेट्स द रिवॉल्वर अगेन, पिक्स अप हिज सूटकेस एंड हरी आउट, दोबारा पॉकेट में रिवॉल्वर डालता है, सूटकेस जो छोड़ दिया था उठाता है, बाहर निकल जाता, कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, दैट्स इट। सो दैट वॉज द सस्पेंस स्टोरी जिस मिसेज ओकेंटा